मेरे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दायम रखे और सलामत रखे। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और अल्लाह पाक आपकी परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म करे। आज जो आपके साथ वजीफा पेश किया जा रहा है, ये एक जो मेरी बहन है वो बुजुर्ग है, तो उनका कहना है कि मेरे जिस्म पर कभी ऐसे खून के धब्बे मेरे जिस्म पर पड़ जाते हैं, तो ये वजीफा मैं उनके लिए बता रही हूँ। वो इस मुल्क में तो नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क से मतलब कि बहुत मुश्किल से हमारे तक पहुंची है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल की इतनी तारीफ करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपना आपका कहना है कि आपके बारे में इस्तखारा किया जाए, तो आप अपनी वालदा का नाम सेंड करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जरूर आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। और आपकी बीमारी जो भी है, तो उसके बारे में आपने कम तफसील लिखी है, उसके बारे में भी बताएं, लेकिन ये वजीफा पहले कर लें। अगर इससे फर्क आपको नहीं मिल लगता, ठीक है ना। वजीफे का तल्लक आपके तवक्कुल से है। आपका तवक्कुल जब मजबूत होगा, वजीफा खुद बखुद अमल करेगा, ठीक है। देखिये, आपकी आप अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हो, तो आप दुआ में अल्लाह पाक से जब दुआ मांग रहे हो, जहन आपका कहीं है, जहन आपका परेशानियों की तरफ है, खाने की तरफ है, पीने की तरफ है, घर की तरफ है, और दुआ आप अल्लाह ताला से मांग रहे हो। ये तरीका तो नहीं है ना। आप कोई वजीफा पढ़ रहे हो, साथ में आप तस्वीर निकाल रहे हो, साथ में आप मोबाइल से लगे हो, इंटरनेट से लगे हो, या फिर आप टीवी के साथ लगे हो, ये तो कोई तरीका नहीं है। इसलिए दुआएं कबूल नहीं होती। आप अपने काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैं ये नहीं कहती कि इस तरह करने से, अगर कोई जिक्र भी कर रहे हो, लेकिन जायज हो ना जायज ना हो, आप इस चीज को सोच के अगर आप गौर करते हो, तो इंशाल्लाह देखिएगा जो भी आप पढ़ाई में आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह आपने कितने भी किए, आपका कहना है कि मैंने बहुत वजीफे किए हैं, मुझे किसी से फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये वजीफा करें, छोड़ दें। मैं ये नहीं कहती कि उन वजीफों में असर नहीं है, तो बनाउज़बिल्लाह, नहीं, असर आपकी नीयत का तल्लक है, आपके वजीफे से, आपके जहन का तल्लक है, आपकी रूह का तल्लक है। जब तक रब से रूह का तल्लक कायम नहीं होगा, तो वजीफे तो क्या आपकी दुआ ही नहीं कबूल होगी। और नंबर तीन ये बात है कि कभी भी आप जब पढ़ाई करते हो, आपने कभी भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। मेरे नजदीक जो दुरूद शरीफ की मिसाल ऐसे है कि दुरूद शरीफ पर है, परों की मानत है, दुआओं को पर लग देखें। अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ना, आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना इसलिए कहती हूँ कि दुआओं को पर लग जाते हैं और वो जल्दी प्रवास करती है। अब आप बगैर दुरूद शरीफ के दुआ पढ़ो, वो कभी कहीं भटकती है, कभी कहीं वो ऊपर तक जा ही नहीं पाती, क्योंकि एक तो उनमें असर नहीं होता, दूसरा उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुरूर नहीं होता, उस दुरूद की मोहब्बत नहीं होती, उस दुरूद से चाहत नहीं होती, तो वो दुआएं कैसे असर करेंगी। हम उम्मती हैं, हम उम्मत हैं उनकी, हम उनसे फरियाद लेके ऊपर पहुंच जाए तो जल्दी दुआ कबूल होगी। गलती है हमारी। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो कहते हैं हमें असर नहीं करता, कोई चीज असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आपका तरीका गलत है। पढ़ाई में फर्क नहीं है, आपका तरीका गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होके दुरूद पढ़ के दुआ मांगो, दुआओं को पर लगते हैं, चाहे वो उर्दू में हो, फारसी में हो, अरबी में हो, किसी भी जुबान में दुआ हो, अव्वल दुरूद पढ़ो, आखिर दुरूद पढ़ो, बेशक एक मरतबा पढ़ो, दुआओं को पर लगते हैं। जब दुआओं को पर लगेंगे, परवाज भी बुलंदी, और दुरूद जैसे पर लग जाए, तो वो दुआएं कैसे कबूल नहीं होती। आप मेरे बताए हुए तरीके से चलें, आपकी वजाइफ भी कबूल होंगे, दुआएं भी कबूल होंगी। तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन 20 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पी लें। खून की किसी भी किस्म की बीमारी, आपने बहुत सी गोलियां खाई होंगी, ब्लड प्रेशर की भी खाते होंगे, दिल के लिए भी खाते होंगे, किसी भी किस्म के लिए, सर दर्द के लिए, आप ये दुआ पढ़ के दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस बीमारी से निजात फरमा दे, तो यकीन माने आपकी दुआ भी कबूल होगी, आपकी बीमारी भी खत्म होगी। गलत दुआओं में असर तब खत्म होता है जब उसका तरीका
उसका बनाया. अब जल्दी जल्दी से बहुत से लोग दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह में ये दे दो ये दे दो ये दे. तरीका अल्लाह को मनाओ, मनाने का तरीका सीखो, रोक और मनाओ. अल्लाह को अपने दो आंसू पानी भी तो रब ने दिया है ना, तो अपने रब को मनाने का तरीका सीखो, अपने रब को रो के मनाओ. रो रो रो, हजारों मरतबा रो. एक दफा नहीं मानते, दो दफा रो, तीन. अल्लाह पाक तो एक, उन्होंने कहा आग में से, आग में से मच्छर या मक्खी के पांव जितना भी कतरा निकल गया दुआ कबूल होती है. तो रो, मैं कहती तेरे सख्त दिल से दुआ ना मांगो कि वो कबूल ही ना हो, उसका फायदा ही क्या है, फिर ना मांगो. अगर कोई बात बुरी लगे तो माफी, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें. इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. आपके ईमेल का जो मसला है वो हल कर दिया गया बहना, आपने दोबारा से ईमेल करनी है वो जरूर करें. इजाजत देना.